Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 12 परोपकार। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो दूसरों के प्रति दया और परोपकार की भावना रखता है। इस कहानी में यह बताया गया है कि हमें ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तो आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि इसमें एक व्यक्ति लाला सदानंद ने दूसरे व्यक्ति पंडित शादीराम की मदद किस प्रकार की। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या वह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी यानी कि एक लंबी सांस ली और सोचने लगे कि जो उन्होंने कर्ज लिया है क्या कभी उनके सिर से उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था, अपना पेट काटकर बचाते थे। मगर जब चार पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी, मगर वे कुछ कर न सकते थे। वे गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। पंडित शादीराम जो थे वो बहुत गरीब थे, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं थे। वे चाहते थे कि उन्होंने जो अपने यजमान लाला सदानंद से जो रुपए लिए हैं वो उन्हें जल्दी से जल्दी लौटा दे। उनके लिए एक एक पैसा कीमती था, अपना पेट काटकर बचाते थे। पेट काटकर यानी कि वो भूखे रहकर कम खर्च करके एक एक पैसा बचाते थे। लेकिन जब भी उनके पास थोड़े से पैसे जमा होते थे तो कोई ना कोई ऐसा खर्च आ जाता था कि जिससे उनके सारे पैसे खर्च हो जाते थे। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी। बर्छियाँ के शादीराम बहुत दुखी हो जाते थे कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से थोड़े से पैसे जमा किए और फिर कोई ऐसा खर्च आ जाता था कि उनके सारे पैसे खर्च हो जाते थे। परंतु वे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, वे गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। यानी कि पंडित शादीराम जो थे वो बहुत गरीब थे, उनके लिए पैसे जमा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से 500 रुपये कर्ज लिए थे। कई साल बीत जाने पर उन्होंने एक एक पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए थे। लेकिन फिर एकदम से अचानक उनका लड़का बीमार हो गया और वह 4 महीने तक बीमार रहा। उन्होंने जो पैसा पैसा करके 80 रुपये बचाए थे वो सब के सब पैसे दवा में खर्च हो गए। अब पंडित शादीराम ने अपना सिर पीट लिया। सिर पीट लिया यानी कि वो फिर से दुखी हो गए। अब चारों ओर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी भी किरण नहीं दिखाई दे रही थी। यानी कि अब उन्हें कहीं से कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही थी कि अब मैं ये जो लाला सदानंद से जो कर्ज के रूप में 500 रुपये लिए हैं वो उन्हें कैसे लौटाऊँ। लाला सदानंद अपने पुरोहित की मजबूरी को जानते थे, उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो। मगर शादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमानसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी।
लाला सदानंद जो थे वो पंडित शादीराम की मजबूरी को समझते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी उनसे 500 रुपये का जिक्र तक नहीं किया, कभी भी नहीं कहा कि मेरे 500 रुपये तुम लौटा दो। उन्हें इस रकम की थोड़ी भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे पंडित शादीराम के पास इतने रुपए नहीं हैं। पंडित शादीराम सोचते थे कि ये कैसे भले मानस है, कैसा भला आदमी है जो अपने पैसे मुझसे कभी मांगता ही नहीं है, कभी कहता ही नहीं है कि भाई मुझे अपने पैसे चाहिए। लाला सदानंद की भल मानसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी, यानी कि पंडित शादीराम जो थे वो लाला सदानंद के सामने नज़रें नहीं मिला पाते थे। क्यों नहीं मिला पाते थे? क्योंकि वह मन ही मन सोचते थे कि भाई मैंने उनसे जो 500 रुपये कर्ज के रूप में लिए हैं, कितने साल हो गए, मैं आज तक उन्हें उनके रुपये लौटा नहीं पाया हूँ। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी? एक दिन लाला सदानंद जो थे वो पंडित शादीराम के घर पे गए और उनकी अलमारी में ढेर सारी बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं यानी कि महीने में एक बार छपने वाली मैगजीन, इन मैगजीनों को देखकर बोले कि यह क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई पढ़ने के शौकीन थे, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? जब लाला सदानंद ने उन मैगजीन्स के बारे में पूछा कि यह क्या है, तो पंडित शादीराम ने कहा कि यह बहुत पुरानी पत्रिकाएं हैं, जब मेरे बड़े भाई जिंदा थे तो वे ये पत्रिकाएं मंगाते थे, उन्हें ये पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था और वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे, लेकिन अब देखो इन्हें कीड़े खा रहे हैं, इन्हें कोई पूछता भी नहीं है, कोई पूछता नहीं मतलब कि इन्हें अभी कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। तो लाला सदानंद कहते हैं कि इन्हें रद्दी में क्यों नहीं बेच देते हो? इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। जब लाला सदानंद ने कहा कि इन्हें रद्दी में क्यों नहीं बेच देते हो, तो पंडित शादीराम कहते हैं कि इनमें जो चित्र हैं, जब बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर इन्हें दे देता हूँ, तो बच्चे वो चित्र देखकर खुश हो जाते हैं और बच्चों का दिल बहल जाता है। तो लाला सदानंद ने कहा कि दो जरा मैं देखूँ तो सही, कैसे चित्र हैं इसमें। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। जब लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा कि दिखाओ कैसे चित्र हैं, तो पंडित शादीराम ने बहुत सारे सुंदर और रंगीन चित्र निकाल कर लाला सदानंद को दिखाए। लाला सदानंद उन्हें उलट पलट कर देखते रहे और अचानक से बोले कि ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से हम कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भर कर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यों धक्के न खाता फिरता। अब लाला सदानंद के कहने पर पंडित शादीराम कहते हैं कि अगर मेरे ऐसे भाग्य होते तो मैं यूँ धक्के नहीं खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें। क्या? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा कि एक काम करते हैं, तो पंडित शादीराम कहते हैं कि क्या? आप बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट ले। लाला सदानंद पंडित शादीराम से कहते हैं कि इन मैगजीन्स में जितनी भी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको बैठकर अलग छांट कर रख लो। बहुत अच्छा, पंडित शादीराम कहते हैं कि बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे सूचित कर दें, आप क्या करेंगे? लाला सदानंद पंडित शादीराम को कहते हैं कि जब तुम इन पत्रिकाओं में से चित्र छांट लो तो मुझे बता देना। तो पंडित शादीराम कहते हैं कि आप क्या करेंगे?
मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। जब पंडित शादीराम लाला सदानंद से कहते हैं कि तस्वीरें छाटने के बाद जब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने तस्वीरें छाट ली हैं तो आप क्या करेंगे, तो लाला सदानंद कहते हैं कि मैं फिर उन तस्वीरों से एक एल्बम बनाऊंगा और तुम्हारी तरफ से एक विज्ञापन दे दूंगा। विज्ञापन यानी एडवर्टाइज, इश्तिहार दे दूंगा। हो सकता है कि यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। लाला सदानंद कहते हैं कि हो सकता है यह विज्ञापन कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ ले जिन्हें तस्वीरों का बहुत शौक हो और आप से पैसे देकर वो तस्वीरें खरीद ले। तस्वीरें हैं तो बहुत बढ़िया। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर खुशी की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे थे। उनके दिन बदलते दिखाई देने लगे। पंडित शादीराम को यह आशा नहीं थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा, अर्थात उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके घर में भी कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें पैसे दिलवा सकती है। घोर निराशा ने उनके सभी द्वार बंद कर दिए थे। अब लाला सदानंद के कहने से पंडित जी ने दिन भर बैठकर 200 चित्र जमा कर लिए और वे उन्हें देखकर इतने खुश हो रहे थे कि बच्चों को तो वहाँ पर आने ही नहीं दे रहे थे। उनके मुख पर एक खुशी की आभा नाचने लगी। वो उन चित्रों को देखकर इतने खुश हो रहे थे कि मानो जैसे हर एक चित्र में 10-10 के नोट लगे हों। और बच्चों को उधर नहीं आने देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे। उनके दिन बदलते दिखाई देने लगे। अब उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिन अब बदल जाएंगे, अब मेरे पास पैसे आ जाएंगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाके की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। अब लाला सदानंद ने जो शादीराम ने जो चित्र इकट्ठे किए थे उन सभी चित्रों को लेकर एक एल्बम में लगा दिया और समाचार पत्र में इश्तिहार दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाके की ही प्रतीक्षा करता रहता था, डाके की वेट करता रहता था कि किसी शौकीन की चिट्ठी आ जाए कि वह मेरे चित्र, मेरी एल्बम खरीदना चाहता है। दिन बीत जाता और कोई भी चिट्ठी नहीं आती थी। अब रात होते होते पंडित शादीराम जो थे वो उदास हो जाते थे, मगर दूसरे ही दिन लाला सदानंद की बातें सुनकर उनमें फिर से एक आशा की किरण जाग उठती थी। बच्चों, आज हमने पाठ का पहला भाग पढ़ा। अब भाग 2 हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।